हेलो एवरीवन, क्या जनधन अकाउंट ओपन करना क्या सही रहेगा, उसमें हमें एटीएम कार्ड चेकबुक मिलेगा कि नहीं। ये बहुत ही कोई का सवाल था और मेरे को भी मन में था कि मैं जनधन अकाउंट वाले का एक मतलब वीडियो प्रोवाइड करूँ। देखिए, जनधन अकाउंट जो है एक नॉर्मली जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, जिसमें आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था या इसे सभी बैंकों में लॉन्च किया गया था, SBI, सेंट्रल बैंक, अदर जितने गवर्नमेंट बैंक है उसमें लॉन्च किया गया था, जिसमें नॉर्मल जितने छोटे से छोटे लोगों का अकाउंट ओपन करना था, सरकार का टारगेट था, जो कि ये हुआ भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या अदर्स बैंकिंग में इसका सबसे, लेकिन ज़्यादा योगदान है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अकाउंट जनधन अकाउंट है, उसमें जो है ATM कार्ड, चेकबुक सभी लॉन्च किया गया था, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ATM कार्ड अभी तो फिलहाल प्रोवाइड नहीं करी, लेकिन पहले जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी जनधन अकाउंट में भी ATM कार्ड इशू कर रही थी। मेरे एक रिलेटिव दोस्त का ही जो है उनका घर वाले को किसी का अकाउंट था जनधन अकाउंट का, जो कि एक नॉर्मल पासबुक दिया जाता है जिसमें जनधन का लोगो जो इस तरह रहता है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उस लोगो को चिपका दिया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि ये आपका जनधन अकाउंट है, और उसमें जो आपको ATM कार्ड मिलेगा उस ATM कार्ड में भी आपको जनधन अकाउंट का लोगो और सिंपली जो कार्ड नंबर, कार्ड डिटेल रहता है सभी रहते हैं। आप ATM से 25,000 तक कैश भी दो और 2,00,000 की शॉपिंग ऑनलाइन में आप एक दिन में 24 घंटे में कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो लेकिन अगर आप नया अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं जनधन अकाउंट में, तो इसमें सिंपली प्रोसेस से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया जाएगा, बस आपको बैंक विजिट करना है ऑनलाइन। इसका प्रोसेस सेंट्रल बैंक में नहीं है, अदर्स बैंकिंग में हो सकता है, लेकिन स्टेट बैंक में ये प्रोसेस है, और दूसरे बैंकों को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, SBI और सेंट्रल में जो है जनधन अकाउंट है। तो आप SBI में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं जनधन अकाउंट, और सेंट्रल बैंक में ऑफलाइन, दोनों ही प्रोसेस काफ़ी आसान है। अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना और अकाउंट ओपन आपका हो जाएगा, जिसमें आपको ATM कार्ड, चेकबुक भी अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो प्रोवाइड किया जाएगा। ATM कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जल्दी प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन अगर आप SBI में अकाउंट खोलते हैं तो आपको ATM कार्ड काफ़ी जल्दी मिलने के, यानी कि 10 से 15 दिन में मिलने के चांसेस हैं, वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी लेट प्रोवाइड करती है उनका कार्ड। आई होप आपको छोटी सी वीडियो चली, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से कीजिए, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बना नहीं जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।